बैक टू मैं आप लोग सो गाइस, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। सो गाइस अभी मैं हूँ सुल्तानगंज में और इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को दर्शन करवाने वाला हूँ विश्व प्रसिद्ध बाबा एचकेवीनाथ का। तो चलिए आप लोगों को दर्शन करवाते हैं, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस अभी हमें सुल्तानगंज स्टेशन पे जो की देख सकते हैं कुछ इस तरह का आप लोगों को सुल्तानगंज स्टेशन देखने को मिलेगा। अभी तो बहुत कम लोग है स्टेशन पे, लेकिन अगर आप सावन के दिनों में आते हैं तो काफी ज्यादा भीड़ होता है इस स्टेशन पे। तो दिखाते हैं आप लोगों को बैक कैमरे से थोड़ा सा स्टेशन। कोने से लोग आते हैं सावन के दिनों में सुल्तानगंज, और यहाँ पे जल उठा के बाबा बैजनाथ धाम जाते हैं, जो कि पहले आप लोगों को सुल्तानगंज ही उतरना पड़ेगा। यहाँ से आप लोगों को फिर गंगा घाट जाना पड़ेगा, वहाँ से जल उठाने के बाद आप लोगों को फिर आगे की सफर करना पड़ेगा। तो फाइनली बाबा के दरबार पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं सुल्तानगंज की ऐतिहासिक जगह है। अब चलते हैं मंदिर के अंदर और फिर आप लोगों को बाबा के दर्शन करवाते हैं। सो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय भोलेनाथ। गाइस तो फाइनली मंदिर के अंदर आ चुके हैं, यही है मंदिर आने का मेन गेट। इसी गेट से आप लोग मंदिर के अंदर आ सकते हैं, और यहाँ पे पहले ही बोला गया है कि फोटो अंदर में या वीडियो नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे, उन लोगों का खिलाफ नहीं जाएंगे, कोशिश करेंगे ज्यादातर बाहर से ही शूट करें, लेकिन और अगर अंदर भी शूट करने का मौका मिलता है तो थोड़ा बहुत हम शूट करके दिखा देंगे। अभी तो पानी बहुत कम है, लेकिन सावन के दिन में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है। ये मंदिर ही पानी के बीच में बनाया हुआ है, ये पानी के बीच में ये मंदिर है। ये जब ये सावन के टाइम में आप आते हैं तो यहाँ पे मंदिर जो है ना पानी के बीच में तैरता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, उस समय आप लोग ये सीढ़ी के माध्यम से आप लोग आ सकते हैं। लेकिन गाइस जितना भी दिखाएंगे बहुत कोशिश करके हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, तो बस आप लोग देखते रहिएगा, हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा।
गाइस तो आप लोगों को बता दें, ये मंदिर इस पानी के बीच में, चारों तरफ पानी के बीच में ये मंदिर है। हालांकि अभी पानी बहुत कम है, इस वजह से आप लोगों को देख सकते हैं इधर पानी सूखा हुआ है। अगर आप सावन के दिनों में आते हैं तो काफी गजब का दृश्य आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि चारों तरफ पानी के बीच में ये मंदिर हमेशा तैरता हुआ आप लोगों को दिखेगा। उस समय अगर आप आते हैं तो ये सीढ़ी के माध्यम, उस तरफ सीढ़ी है, हम आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाएंगे, हालांकि आगे वाले कैमरे से आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। उस साइड सीढ़ी है, उस सीढ़ी के माध्यम से आप लोग ये मंदिर पे आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। ये मंदिर के ऊपर आप लोगों को ऐसा ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को बिलीव नहीं होगा। जैसे कि दिखाते हैं आप लोगों को, ये देख सकते हैं पहाड़ मिल जाएगा आप लोगों को, ये मंदिर के ऊपर ही पहाड़ भी मिल जाएगा आप लोगों को। देख सकते हैं गाछ भी है, जो कि गाछ भी है इसके ऊपर है। कैसे ये कितना महल का है ये मंदिर पता ही नहीं चलता है। यानी कि आप घूमते रहिएगा, हम गिन नहीं पाए कि ये कितना मंजिल का ये मंदिर है। लेकिन आप अगर इस रास्ते से जाते हैं तो उस रास्ते से दूसरी जगह निकलिएगा, इस रास्ते से घुसिएगा तो दूसरे रास्ते में निकलिएगा। जो कि देख सकते हैं हर एक जगह जाने के लिए सीढ़ी बना हुआ है। तो आप लोगों को दिखाते हैं और भी जगह पे जाके। ये जो मूर्ति आप लोगों को दिख रहा है ये मंदिर के सबसे नीचे में है और ये पत्थर का बना हुआ ये मूर्ति है। इसका बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत ऐतिहासिक मूर्ति है। जो भी देख सकते हैं बहुत सारा मूर्ति है, पत्थर को काट काट के ये बनाया गया है। हालांकि हमें पता है थोड़ा बहुत कि ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक मूर्ति है। हम कोशिश करते हैं अगर किसी से जानकारी लेके इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें, लेकिन देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा हम आज से पहले हमें कभी नहीं देखने को मिला था जो कि ये दृश्य यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो आप लोग भी देखिए। बाबा अजगैबीनाथ का ये मंदिर पूरे भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है। भारत के हर एक कोने से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, और सावन के महीने में तो और भी ज्यादा। अगर आप लोगों को भी कभी टाइम मिले तो एक बार जरूर आइए बाबा का दर्शन करने के लिए। काफी सुकून और शांति प्राप्त होगा आप लोगों को इस जगह पे आके। तैयारी जो चल रहा है ये महाशिवरात्रि का तैयारी चल रहा है। काफी धूमधाम से यहाँ पे शिवरात्रि होता है। यहाँ पे तैयारी देख के ही लग रहा है कि कितना ज्यादा धूमधाम से यहाँ पे शिवरात्रि होता है। तो आप लोग अगर शिवरात्रि में भी आना चाहते हैं तो आके घूम सकते हैं। गाइस अभी हम आ गए सुल्तानगंज गंगा घाट पे। इसी जगह से उत्तरी वाहिनी गंगा बहती है और सावन में इसी जगह से कांवड़िया गंगा जल लेके बाबा बैजनाथ धाम के दरबार चढ़ाने जाते हैं। तो हम आप लोगों को बैक कैमरे से पूरा गंगा घाट का दर्शन करवाते हैं। साल के हर एक दिन भारत के हर एक कोने से लोग आते हैं यहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए। लेकिन आप अगर सावन में आते हैं तो आप लोगों को जो दृश्य देखने को मिलेगा वो देखने लायक होगा। लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पे आते हैं गंगा स्नान करने के लिए और सावन के टाइम में, और फिर गंगा जल लेके जाके बाबा बैजनाथ धाम पे चढ़ाते हैं। तो उस समय का जो मोमेंट है वो हम आप लोगों को बता नहीं सकते हैं। हालांकि एक बार हम कोशिश करेंगे उस समय भी आप लोगों को आके दिखाने का।
सभी कुछ आप लोगों को दिखा दिए हैं। सो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइस देखिए वीडियो बड़ा होगा लेकिन बहुत ही यूजफुल होगा आप लोगों के लिए, तो गाइस बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।